पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ हमें कहा कि भाई आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ से जो है वो निकल जाएं। और ये पीछे जो है ये सारी जो है वो रेजिडेंसीज हैं। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करें इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर जो कि आज जो है वो सिर्फ पेपर पर मौजूद हैं। तो अगर आपने उस वक्त जो है वो ढाई लाख डॉलर जो कि उस वक्त कितने बनते होंगे, पाँच करोड़ लगा के अगर आपको आज जो है उसका रेंट मिल रहा हो 6-7 लाख, तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी अच्छी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत तरीन जो आपका मॉल है। और उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे पतलू से। हेलो मिस्टर पतलू, हाउ आर यू? How are you? Mr. Sajid from Lokman. Yeah, yeah, yeah. Big friend. Yeah. Thank you so much. Can you sign here? You know, if you don't dream big, you can't achieve it. Yeah. So dream big, you will achieve it. यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं, आपको different brands जो है वो मिल जाएंगे। ये Boiner एक collection of garments and shoes है। ये है जनाब अली Atom. We have to go Zara? I don't like it. Really. I don't like Zara. So here it is a kids and mom's area, sky view MR, Samsonite, अच्छे bags पड़े हुए हैं, मज़ेदार हैं और एक ही जैसे bags पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? अभी हम निकल पड़े हैं जनाब अली घर से। एज़ यूजुअल 11 बजे की हमारी मीटिंग है, दोस्त को टाइम दिया हुआ है और हम 10:55 पे जो है वो घर से निकल रहे हैं और 8 मिनट की हमारी ड्राइव है टोटल। आज हम आपको सैर करवाने लगे हैं एशियन साइड पर वाकया एक खूबसूरत शॉपिंग मॉल की। इस शॉपिंग मॉल का नाम है अकासिया आवे में AVM। AVM मीन जो आपका शॉपिंग मॉल होता है, तो यहाँ पे आवे में बोलते हैं यानी AVM बोलते हैं। एशियन साइड के ऊपर जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें से एक अकासिया है और दूसरा जो है वो इमार है। इमार शॉपिंग मॉल भी बहुत अच्छा है और अकासिया भी अच्छा है। तो इस शॉपिंग मॉल की सैर हम आपको करवाएंगे और यहाँ पे ये खातून को दिखाइएगा सामने, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जब भी कोई पैदल जो है वो गुज़रता है तो गाड़ी वाला फौरन गाड़ी जो है वो रोक लेता है और उसे रास्ता जो है वो देता है। तो पैदल का जो रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा हक होता है हर माशरे के अंदर ही, तो यहाँ पर उसे जो है वो राइट दिया भी जाता है, गाड़ी वाले जो है वो उसको रास्ता भी देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ की जो है वो प्रिकॉशन भी है, उसको भी आप हमेशा जो है वो याद रखिएगा, और वो ये है। अब ये जैसे मैंने गाड़ी रोक ली है, खातून ने गुज़रना था, हालांकि वो रुक गई है लेकिन फिर भी मैंने उसे जो है वो रास्ता दिया। तो एहतियात भी आपने रखनी है, और वो एहतियात ये है कि जब कोई सिग्नल है और सिग्नल गाड़ी वाले का ओपन है और आप वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, या वो रोड जो पेडिस्ट्रियन के लिए अलग बना हुआ है, अगर आप ये दिखाएँ सामने तो ये राइट और लेफ़्ट पे जो है रास्ता ये पेडिस्ट्रियन के लिए है, सेंटर में ऑब्वियसली गाड़ी गुजरेगी। तो पेडिस्ट्रियन जो है उसे चाहिए कि वो अपने रास्ते पे जो है वो चले। अगर वो सेंटर में चल रहा है, रोड पे चल रहा है या कोई उसका, तो उस पे जो है वो गुस्सा भी करते हैं गाड़ी वाला, और फिर उसे जो है वो बाज़कात अगर कोई टैक्सी है तो वो कह भी देते हैं कि जनाब आप जो है वो अपने रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे। तो अभी एक कॉल आ गई है जी, ये कॉल है जॉर्जिया से। मैं सिर्फ आपके साथ रहते हुए एक कॉल ले लूँ, उसके बाद फिर हम बात जो है वो करते हैं अपनी, कंटिन्यू करते हैं। Hello, good morning. How are you? This is David. Good. How are you doing? I'm good. Thank you, Mr. David. Yes, thank you. I'm just calling to just ask or make sure if would you like to be interested into moving forward in terms of the partnership or no? Because we have a lot of updated information that we can send you, and we can show you the partners that we are working with as well. Because now our pre-sale condition is, I would say, changing the state, because we almost sold out what we had in plans and we're moving forward. So yes, just curious. Yeah, thank you so much, what's Mr. David, status? For your call and for this opportunity. Actually, I'm
got a very busy schedule till the end of September. So I'm, you know, pretty sure that I'm interested in selling real estate of Georgia. So for sure I'm interested, and please I'll be thankful if you can share me all the details on my WhatsApp. And let me study on the WhatsApp. Yeah. Would you prefer to have a Google Meet call, just yeah, sure, 20, sure, 30 minutes where I can basically describe everything in details? For a meeting, or just you want to share me the details on Google? Yes, the meeting. We can have like a small meeting. So we can discuss the future potential partnership with the commissions involved. We can discuss all the details if you would like. Honestly speaking, Mr. David, right now, you know, got a very busy schedule. So I don't think that I'll be able to get like 30 minutes for this meeting. So I would prefer to have all the information first. Let me study it, because during our meeting, if I got any kind of questions, I can ask you. So it will be great help for me if you can share me the details first. All right, then just real quick, I'll share you the new presentation about Octo Group. I will send you the our B2B partnership, just agreement details, like there was just one slide. And I will also send you the presentation from Octo Group about Batumi, just if you'd like to just check out about the Batumi data and statistics. And thank you. If you'd like, I can also send you the mediator draft contract. Yeah, sure, so we can discuss. Yeah, would please. You like to see the draft? Yeah, exactly. Share me whatever you have in your store so I can study it, and then I'll revert back to you. All right. Would you prefer for me to send everything on email or WhatsApp? It's better if you can share me on email, but right now it will be difficult for me to write an email address. So you can share me here on WhatsApp, please. Okay, I will send you everything. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. तो दोस्तों हमारा चूंकि 8 मिनट का टोटल जो है वो सफ़र था, और उसमें जो है ये कॉल आ गई है, और अभी जो है वो हम जा रहे हैं जनाबे अली, सॉरी पिछले को जो डिस्टर्ब कर दिया। तो अभी अकासिया मॉल जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये सामने जनाबे अली शामली जा टावर है, इस पर कल हमने वीलॉग जो है वो बनाया है, और आपके पास जो है वो आ जाएगा ये वीलॉग जल्दी ही। आप देख के अपना फीडबैक भी दीजिएगा कैसा आपको लगा। तो अकासिया मॉल जाने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है, वो आप हैं बेसिकली। और वो आप क्यों हैं? क्योंकि आपके लिए जो है वो डेली हम वीडियो बना रहे हैं, वीलॉग बना रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ की शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यार आप एक ही तरह के कपड़े जो है, ड्रेस जो है, उसको देख के आप बोर हो रहे होंगे, तो क्यों ना कुछ नए कपड़े जो है वो ख़रीद लिए जाएँ, कुछ शर्ट्स ले ली जाएँ, ताकि आप जो है वो हमें नए कपड़ों में जो है वो देखें, और नए कपड़ों में देख के आपको ज़्यादा खुशी होगी। एक ही जैसा चेहरा जो है वो देख के डेली शायद आप जो है वो बोर हो जाते होंगे। तो अकासिया मॉल जाने की जो है वो ये रीज़न है, और उसके बाद ऑब्वियसली हम फिर कुछ हमारी मीटिंग्स हैं वो करेंगे, कुछ वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, और बिल्कुल आमने सामने हैं। अच्छा, इसको चूज़ करने के रीज़न क्या है? नॉर्मली मैं शॉपिंग करता हूँ जोलू सेंटर और जवाहर मॉल से, और समटाइम जो है वो ऑजलिक पार्क और कानियन जो है वहाँ से, ज़्यादातर जो है वो यहाँ से करता हूँ। लेकिन एशियन साइड पे पहली जो है वो शॉपिंग इसलिए करने लगा हूँ कि अकासिया मॉल के बारे में मेरे जो दोस्त हैं वो जो पतलू हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि ये अच्छे जो है इनके पास आर्टिकल्स होते हैं। और दूसरी रीज़न उन्होंने ये बताई कि बिल्कुल इसके, चूँकि अकासिया के सामने ही इमार है, अगर आप ये दिखा सकें काइंडली वीडियो में, इमार ये बिल्कुल सामने है, तो अगर हमें कोई आर्टिकल जो है या कुछ साइज़ या कलर हमें नहीं मिलता अकासिया से, तो हम जो है वो उसे दिखा देंगे, देख लेंगे इमार से। तो एशियन साइड की ये मेरी पहली शॉपिंग है, और ये अभी जो है वो हम करने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। और मैं ये एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ कि एशियन साइड वाले जो मॉल्स हैं उनकी प्राइसेस में कोई डिफरेंस, या क्वालिटी में, या उनके आर्टिकल्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ब्रांड्स तो हर जगह पर सेम होते हैं, लेकिन फिर भी सेम नहीं होते। कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो स्पेसिफ़िक आर्टिकल्स ही मिलते हैं, वैरायटी आर्टिकल जो है वो नहीं मिलते, और कुछ एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिक आर्टिकल्स ही मिलते हैं, दूसरे नहीं मिलते जो कॉमन होते हैं। तो हम इसको जो एक्सप्लोर करते हैं, और इसके साथ साथ आपको अगर इस एरिया के बारे में बताऊं, तो अकासिया मॉल जो है ये वाकया है आजीबादम में। ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं गाड़ी थोड़ी स्लो करता हूँ और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है ये बेसिकली जो है वो आपकी D100 रोड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। मेरे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, ये मेट्रो बस का ट्रैक है, और ये सामने जितनी हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है ये फिक्र तपे कादी कोई का एरिया है। ये राइट साइड पे जो है वो अकासिया मॉल है, ये जो टावर नज़र आ रहा है। तो इस
ये जो फिक्र तपे खादी कोई का एरिया है, इसके बारे में मैं हमेशा जो है वो कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पे जिन लोगों ने आज से 4 साल पहले 3 साल पहले जो है इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लिया। और इसी के बारे में उन्होंने बताया था, मेरे एक दोस्त जिन्होंने 2020 में सिटीजनशिप ली, उस वक्त 2,65,000 डॉलर में उन्होंने एक 1+1 एक 2+1 जो है वो लिया वो सामने वाले प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी फिक्र तपे के अंदर जो यानी फिक्र तपे के नाम से इमलाक कुनूत और तौकी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसकी इनाग्रेशन जो है वो तैयब उर्दवान हमारे जो ऑनरेबल प्राइम प्रेजिडेंट हैं उन्होंने की थी, और जो कि 11,000 अपार्टमेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत यानी मेगा प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं सही मानों में, गिगेंटिक ह्यूज छोटे लफ्ज़ हैं मेगा, तो ये वो वाला जो है वो प्रोजेक्ट है। और इसको प्रेस्टीज स्ट्रीट के नाम से एक नई जो है वो यहाँ पे स्ट्रीट बनेगी, जो कि बगदाद जादेसी की तरह, बगदाद स्ट्रीट की तरह होगी, जो कि बहुत फेमस है एशियन साइड पे बगदाद स्ट्रीट जो है। तो ये जनाब अली इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है इस एरिया की जो इन्वेस्टमेंट है। तो अभी ये बिल्कुल हम कासिया जो है वो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे है, टर्न लेके हम आगे से जो आएंगे 230 मीटर जो है वो रह गया है, 1 मिनट का डिस्टेंस हमारा। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे इसकी एंट्रेंस, इसके अंदर जो है वो बाकी सारी जो है सहूलियात क्या क्या हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी पार्किंग में जाना। चूँकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। और अभी यहाँ पे एक इन्होंने जो है वो, मुझे तो ये लगा कि वाकई ये जहाज़ खड़ा हुआ है सामने, ऐसे लग रहा था जैसे ये बाकायदा जहाज़ है, फील मुझे यही हुआ। वो बाद में देखा नहीं यार ये तो सिर्फ जहाज़ का पायलट का जो है हिस्सा, वो कैबिन इन्होंने रखा हुआ है और बाकी जहाज़ जो है वो अंदर है, अंदर जाके पता चलेगा। और ये क्या है, पिज्जानिया, पिज्जानिया कुछ कुछ है। और इसके अंदर जो है ना मेट्रो की एक्सेस मॉल के अंदर से ही है, और एज़ यूजुअल पार्किंग जो है वो ढूंढना आसान काम नहीं है। रोड के ऊपर तो खैर ओपन जो पार्किंग है, लेकिन अंदर जो है वो पार्किंग हम पूछते हैं कि कहाँ पे है। और ये बिल्कुल साइन है जी ऑटो पार्क सामने है। तो दोस्तों जैसे ही हम अकासिया मॉल की रिसेप्शन पे गए, उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ हमें कहा कि भाई आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ से जो है वो निकल जाएं। तो हम भी, आपको पता है फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो हर बंदे की होती है, अब इन्होंने हमें जो है वो रिकॉर्ड नहीं करने दी तो हम भी यहाँ से जो है वो निकल आए हैं। और अब हम दोबारा इज़्ज़त अफजाई के लिए जो है वो जा रहे हैं इमार मॉल। नहीं असल ये तो एक मजाक था, हकीकत ये है कि जो मेरे दोस्त आ रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि हमने इमार में जाने का प्लान किया था, तो वो चले गए वहाँ पे इमार में। अब उनके पास चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस है तो फिर ये मुनासिब नहीं था कि उन्हें मैं कहता कि जी आप यहाँ पर आएँ, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं उनके पास जो है वो चला जाता हूँ ताकि उन्हें इनकन्वीनियंस भी ना हो और मेरे लिए इजी है। 8 मिनट की ड्राइव है जिसमें से 3 मिनट गुजर गए हैं, 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट के अंदर जो है वो हम जा रहे हैं इमार। और इमार यार एक दुनिया ही और है, सच में मैं आपको बता रहा हूँ कि इमार वाकई इमार है। दुबई के अंदर अगर, यूएई के अंदर अगर टॉप की कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो भाई यहाँ पे भी जो उनका प्रोजेक्ट है या पाकिस्तान में कराची में भी है तो वाकई टॉप का है। आप जब इमार के अंदर एंटर होते हैं तो आप बिलीव करें कि ऐसे फील होता है कि जैसे आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। मुझे याद है 2006 में जैसे ही मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया और बड़ा शौक़ था कुछ बनने का करने का, तो मैंने अपने अंकल से कहा, और वो हॉलैंड नेशनल हैं, तो उनके एक दोस्त थे मिस्टर पीटर, वो भी हॉलैंड नेशनल थे और वो पीसी जो लाहौर है उसके जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अकाउंटेंट लगवा दिया। तो जैसे ही मैं पहली बार पीसी में एंटर हुआ था तो आप बिलीव करें कि मेरी तो हैरत ही गुम हो गई, मैंने उतनी खूबसूरत बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी। और पाकिस्तान के मुताबिक 5 स्टार, वैसे तो खैर वो 3 स्टार भी ना हो, उस वक्त जो है वो मतलब मैं कहता था कि यार ये कैसी दुनिया है। तो वो वाली जो फीलिंग्स हैं अब इस दौर के अंदर जो है वो आई हैं यहाँ पर इमार में जाके। इमार में चूँकि मैं पहले गया हुआ हूँ तो ये एक जो है ना वो जिसे कहते हैं ना सिटी विद इन सिटी, ये सिटी विद इन सिटी है।
और एक दो वाक़यात जो है वो मुझे याद आ गए, चूँकि आपको पता है कि हम गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं और गांव जो है जब हम रहते थे तो पहली बार 2005-06 की बात है, लाहौर में इस तरह जब आए, यानी लाहौर आना जाना 97 से था, लेकिन जिसे आप कहते हैं कि एक आलीशान बिल्डिंग में या किसी फाइव स्टार होटल में जाने का जो इत्तेफाक है पीसी जैसा, वो पहली बार हुआ। तो मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे गया टॉयलेट, अब टॉयलेट से वापस आया तो हैंड वॉश करने थे, तो मैं जो टूटी थी उसका देख रहा हूँ कि यार ये कैसे ऑन होगी और कैसे जो है ये पानी निकलेगा। तो मैंने उसको बड़ा देखा, मुझे कोई उसका नज़र नहीं आ रहा, कभी उसको ऊपर नीचे करने की दाएं बाएं करने की कोशिश करूं लेकिन वो बिल्कुल ना हो। तो उतनी देर में कोई और आ गया और फिर उसके सामने मैं शर्मिंदा होते थोड़ा पीछे हट गया और जो है बालशाल ज़रा दिखा लग गया कि मैं जैसे बालशाल जो है वो सेट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो चला गया। तो उसे मैंने देखा तो उसने जैसे ही नीचे हाथ किया पानी आ गया, तो इट वॉज़ रियली अ शॉक फॉर मी कि यार ऐसे भी होता है कि आप नीचे हाथ करो पानी आ जाता है, हाथ पीछे करो पानी गायब हो जाता है। तो सेंसर जो है उस दौर में 2005-06 की बात है, मुझे पहली बार पता चला कि भाई ऐसे भी होता है। और इसी तरह ही लाहौर में दूसरा इंसिडेंट हुआ था, जो हमारा रहीम स्टोर है अलामा इकबाल टाउन के अंदर मेन बुलेवार्ड पे, तो उसमें जो है वो जैसे ही उसके करीब जाऊँ दरवाज़ा खुल जाए, जैसे ही पीछे हटे दरवाज़ा बंद। यार वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग शुगल था, वो तो एक ऐसे जैसे बच्चे के लिए एक होता नहीं खिलौना और एक गेम होती है, तो वैसे था सेंसर के ऊपर जो है दरवाज़ा। तो ये जब आप गांव से जो है वो बड़े शहर में आते हैं या शहर से जब आप बड़े शहर में आते हैं, तो इस तरह के जो है वो छोटे छोटे जो है ना वाक़यात आपके साथ होते हैं और ये बड़े मज़े के होते हैं, यादें होती हैं लाइफ की। तो बड़ा इन्जॉय किया। ये सामने हमारे अगेन जी चामली जाट टावर है और अभी हमारा 2 मिनट का सफ़र जो है वो रह गया है और हम पहुंचने लगे हैं इमार। और आप देखेंगे जब आप इमार में जाएंगे मेरे साथ तो आप वाकई ये चीज़ देखेंगे कि यार इसमें कोई शक नहीं है कि इमार वाकई जो है बहुत खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें चूँकि रेजिडेंसीज भी हैं, ऑफिस भी हैं और इसमें जो है वो मॉल भी है। और अच्छी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कर्म है हम पर कि ये भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर फॉर सेल अवेलेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया और ऑब्वियसली अभी तो ये अपनी पीक पे है, अभी तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके वो ख़ास आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा उस तरह, लेकिन सच्ची बात ये है कि इसकी जो सेकंड हैंड सेल्स है वो भी हैं, सेल्स ऑफिस की जानिब से भी जो है वो ये मौजूद है। और इस तरह के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस्तांबुल के अंदर, जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अल्लाह पाक का ये ख़ास कर्म है। और आप ये जो बहन भाई देख रहे हैं, आप लोग की दुआएं हैं कि वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। आप इस्तांबुल के अंदर किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत पैदल दौड़ लगाई थी। और वाकई ये बात सही है, लोग आपकी जो सक्सेस है उसे जो है वो देखते हैं, आपकी जो कामयाबी है उसे देखते हैं, उस कामयाबी को तक पहुँचने के लिए जो सफ़र आपने तय किया हुआ वो कोई नहीं देखता। तो बड़ा तकलीफ़दह सफ़र होता है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेटली अगर आप लगे रहे तो आप अपनी मंजिल जो है वो पाई लेती हैं। जैसा कि अल्लाह पाक का करोड़ हा शुक्र है कि मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है, जो कुछ दिया है, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और मैं सच्ची बात आपको बताऊँ कि मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अल्लाह पाक ने बहुत जो है वो करम किया है। तो ये सामने जनाब अली इमार की जो है वो बिल्डिंग आपको नज़र आ गई, ये 2 टावर ये हैं, एक साथ छोटा है, तो हम जो है वो एंटर होते हैं और आपको साथ जो है वो दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इमार AVM के, इमार शॉपिंग मॉल के, इमार स्क्वायर के बिल्कुल एंट्रेंस पर, और गाड़ी हमने बाहर पार्क की है। ये बिल्कुल नीचे ही अगर आप चले जाएं तो शॉपिंग सेंटर आ जाएगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो नज़र आ जाएंगे, जैसे लुइस विटॉन है, गोल्डन गूज है, उसके बाद हेरमेस पेरिस है, गुची है, और बाकी वाको और मॉन्ट ब्लांक ये सारे मौजूद हैं। तो ऊपर भी जो है वो कुछ बड़े ब्रांड जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह जो है ये सामने आपके लुइस विटॉन जो है आपको नज़र आ रहा है, आपको वो भी दिखाते हैं। हेरमेस जो है वो सामने है,
और ये बेसिकली जो है वो 3 टावर्स आपको नज़र आ रही होगी ग्लास बिल्डिंग, मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा इधर आके। अब जैसा कि वो सामने जो है वो ये है आदरस होटल इस्तांबुल। तो ये जो आदरस है ये बेसिकली होटल है, ये जो आदरस है उसके साथ ये जो बिल्डिंग है ये ऑफिसेज हैं। इस वाली बिल्डिंग के अंदर भी ऑफिसेज, कमर्शियल एक्टिविटीज़, ग्राउंड फ्लोर पे मॉल, और ये पीछे जो है ये सारी जो है वो रेजिडेंसीज हैं। तो इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं, चूँकि आपको पता है कि मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करता रहता हूं कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करें इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर जो कि आज जो है वो सिर्फ पेपर पर मौजूद हैं, डिगिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ पेपर पर मौजूद हैं और कल जो है वो ये बनने हैं। तो ये वो हैं आपके जो है वो प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे याद है $2.5 लाख पे यहाँ पे लोगों ने जो है वो लिया 1+1, और आज जो है वही 1+1 की अगर मैं कीमत आपको सेकंड हैंड में बात करूँ जो सूटेबल सिटीजनशिप लिए नहीं है, वो 5 लाख $5.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है 1+1 जो मड़े से मड़ा है, और 2+1 की अगर मैं बात करूँ तो 6 साढ़े $6 लाख से स्टार्ट होकर $8.5 लाख तक जो है वो जाता है, और 3+1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है $9,50,000 से कोई $1.6 मिलियन तक। और ये वो अपार्टमेंट्स हैं जो रीसेल में मेरे पास मौजूद हैं जो कि सूटेबल सिटीजनशिप के लिए नहीं हैं। अगर हम रेंट की बात करें तो $2,500 वन बेड अपार्टमेंट का रेंट है, $2,500 दो डिपॉज़िट आपके जो है वो होंगे, रेंट दो डिपॉज़िट होंगे और एक तो $7,500 दे के आपने सिर्फ इसको रेंट करना है। अगर PKR की मैं बात करूँ तो आप ये देखें तकरीबन कुछ जो है वो 2 मिलियन रुपीज़ के अंदर जो है आपको इसका जो है वो मिल रहा है अपार्टमेंट रेंट पे। और अगर आप उसके मंथली रेंट की बात करें तो आप देखें कि तकरीबन कुछ 7 लाख रुपए के अंदर उसका मंथली रेंट है। तो अगर आपने उस वक्त जो है वो $2.5 लाख जो कि उस वक्त कितने बनते होंगे, 5 करोड़ लगा के अगर आपको आज जो है उसका रेंट मिल रहा हो 6-7 लाख, तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी अच्छी होगी। तो इसी तरह जो है आपको हम शॉपिंग मॉल की जो है सैर वो भी करवाते हैं, थोड़ा नीचे जो है वो दिखाते हैं। वैसे तो नीचे जाके देखेंगे, ये ओपन एरिया जो है वो स्मोकिंग एरिया है। तो ये सामने जो है वो सारे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, राइट साइड पे जो है वो गोदीवा कैफे है, लुइस विटॉन का नीचे भी जो है वो एंट्रेंस है, और उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है आवे में गिरीश, जिसका मतलब है मॉल की एंट्रेंस जो है। तो इस तरह जो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीन जो आपका मॉल है। तो अब चलते हैं हम नीचे जो है वो शॉपिंग मॉल की तरफ, चूँकि कुछ शॉपिंग भी करनी है, और उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे पतलू से। हेलो मिस्टर पतलू, हाउ आर यू? How are you? Mr. Sajid from Rocky. Yeah. Big fan. Thank you so much. Can you sign here? He's, you know, a naughty guy. So, आप अक्सर इन्हें जो है वो देखते हैं वीलॉग के अंदर, और आप इन्हें जो है वो देखते रहेंगे क्योंकि ये अब हमारे साथ हमारे सफ़र में जो है वो हमारे इस कारवां का हिस्सा हैं। तो चलते हैं नीचे मॉल की तरफ। Everything is possible in the world. You know, if you don't dream big, you can't achieve it. Yeah. So dream big, you will achieve it. I do. Elon Musk said that I plan my calendar for 10 years. I plan my calendar for 1 year. From the common people. That 10 times actually I'm advanced from the common people. That's very cool. So this is the plan. This lady is the plan? Huh? This lady is the plan? This lady is the plan? What do you mean this is the plan? No. You have to point, always I try to explain you whenever you are in, they're open for you. But as a foreigner, we have to think that we are foreigner. Yeah. So until I don't get my citizenship, I must have to, even sometimes it is like morality as well. But it's not a debate. So तो जैसा कि बड़े malls के अंदर होता है, यहाँ पर भी जो है ये information counter जो है वो बना हुआ है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अब ये जो है वो आपका मॉल की इनसाइड है, यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं, आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो मिल जाएंगे। ये बॉयनर एक कलेक्शन ऑफ गारमेंट्स एंड शूज़ है, इसने डिफरेंट जो आपके हैं ब्रांड्स उन सब के जो है कपड़े और जूते इकट्ठे करके एक जगह पर जो है वो रख दिए हैं। ये कॉफ़ी के लिए स्टॉल है, और इसी तरह जो है बेशुमार चीज़ें हैं। नीचे स्टारबक्स है, और इस मॉल के अंदर मुमकिन है कि 3-4 जो है वो स्टारबक्स हों। एक बाहर मैंने देखा है कि अंदर देखा है, एक मुमकिन है कि दूसरे तीसरे फ्लोर पे हो के।
तो ये जो है वो सामने मावी है, मावी इनका तुर्किश लोकल ब्रांड है और एक अच्छा ब्रांड है। लास्ट टाइम मैंने शॉपिंग जो है वो इससे की थी और इनकी जो जीन्स की पैंट्स थी वो तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन इनकी शर्ट्स जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और ये मैक फिट जो है, मैक फिट यहाँ पे जिम का एक ब्रांड है, फूड कोर्ट एंड सिनेमा इधर है। सो अभी हम जो है वो एंटर हो गए हैं फूड कोर्ट के अंदर, और फूड कोर्ट के अंदर आपको सारे जो ब्रांड्स हैं लोकल और इंटरनेशनल वो नज़र आ रहे हैं। बर्गर किंग भी होगा यहाँ पर, और ये बाकी सारे लोकल ब्रांड्स हैं, बिग बेकर, बिग शेफ, और इसी तरह जो है ये कैसेरी, उसके बाद ये मैकडोनल्ड्स है, साथ उसके जो है वो ताबुक दुनिया से है, ये एच डी इस्कंदर है, ये भी बहुत फेमस है इस्कंदर, इनका जो है वो बहुत मशहूर, आपको पता है कि एक वो है फूड है टर्किश जो है, देसी घी के अंदर जो है वो बड़े गोश्त को इन्होंने जो है वो भुना होता है और बड़ा मज़े का होता है। ये है जनाब अली एटम, ठीक है जी, ये है पोपाइज, और इसी तरह ये भी राइट साइड पे भी इस्कंदर है, वो रश वाला एरिया था। अभी नीचे जो है वो हमें ज़ारा पे जाना है, वी हैव टू गो ज़ारा, आई डोंट लाइक इट रियली, आई डोंट लाइक ज़ारा। सो हेयर इट इज़ आ किड्स एंड मॉम्स एरिया, हेयर टॉयज शॉप, ये भी एक नाम सिलेक्शन के अंदर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ये नाम जो है ना आजकल लोग इस तरह रख लेते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड है, टॉय का मतलब टी ओ वाई है, अब उन्होंने उसके साथ दो जो है वो सफिक्स ऐड कर दिए जेड और उसको जो है वो नाम बना लिया। और इसी तरह जो है ये मॉम वर्ड है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ट्रॉली श्रॉली और वो कार शार जो है, इधर जो है वो आपको सुपर किड्स नज़र आ रहा है मेरे बैक साइड पे। तो ये वाला जो है वो ख़ास तौर पे पावर जंप, यहाँ पे प्लेलैंड वर्ड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे यहाँ पे आके जो है ना वो बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन जब यहाँ से निकलेंगे ना, इन सारी शॉप से जो आपसे कहेंगे हमें ये भी लेके देना है, ये भी लेके देना है, ये भी लेके देना है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ सोच समझ के आएँ, डोंट स्टॉप। सो प्लेलैंड, ओके, he wants me to stay here, okay, I'm stand here, standing here, children area, so it's a children area, I'm father, yeah, you can show it. I'm a child of my parents but I'm a father as well, yeah, so bachche, you want to show children area, right? Okay, no, you don't, I want, so ye jo hai, he told me that you have to show this one, so playland, ha 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 ha, stay on the car and everything. So guys, look at this. For kids hair. So ये हकीकत में एक बारबर है, लेकिन उस बारबर का जो काम का स्टाइल है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप पैसा भी कमाएंगे। इन्होंने क्या 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 किया, कहने देखो, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे बच्चों की जो चेज हैं उसकी बजाय इन्होंने ये गाड़ियाँ रख दी, बच्चे को गाड़ी में बिठाया, बच्चा मज़े से जो है वो झूले ले रहा है और उसके बाल कट रहे हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कटिंग करवाते हुए रोते हैं। और फिर यहाँ पे जो है वो बच्चे का जो सर धुलाना है, तो आप ऐसे बैठेंगे, मुझे मेरा मोबाइल पकड़ लेने दें, और आप ऐसे जो है वो झुकेंगे और पीछे ये सर रख के आपका वॉश भी हो जाएगा। तो इट्स अमेजिंग आइडिया। तो ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बाकी भी जो है वो किया जाता है, और आपको गाड़ी जो है चला के हम दिखाते हैं जी। ये गाड़ी इधर से आपका दरवाज़ा खुला, आप इसमें जो है वो बैठे, और आपने ये दरवाज़ा जो है वो बंद किया, और आपने ये जनाब अली इसको, और ये नीचे जो है इसके स्पीड बोर्ड भी लगा हुआ है, इसकी पावर भी ऑन है, आप इसको जो है वो चला भी सकते हैं। ये आपके जो है वो, ये आपके मूव भी कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, बच्चा खेल रहा है मज़े से, और उसके जो है वो कटिंग हो रही है, तो अब इसे हमने बंद कर दिया। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, चकती शिक्र दे रहा हूँ, ई चलिशमला स्काई व्यू एम आर। तो ये जो है वो ऑब्जर्वेशन डेक है, यहाँ पे आपको जो है ना एक आलीशान किस्म का जो है वो व्यू करवाया जाएगा ऊपर लेके जाके हाइट पे, जैसे चामले जा में हमने किया था। और आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर जो है वो बना सकते हैं, ये बिल्कुल ग्लास वॉल जो है वो दी हुई है फेंस, और इससे आपको शहर का व्यू जो है वो मिलेगा, स्काई व्यू आपको बेसिकली मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप चामले जा नहीं जाना चाहते स्पेसिफ़िकली, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर लाजमी जाएँ,
और चामली जा जो है वो ऊपर 200 मीटर पे जा के 250 मीटर पे जा के जो आप व्यू करते हैं पूरे शहर का औसम है, बहुत मज़े का है। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जाते, यहाँ आते हैं इत्तेफाक से, तो ये भी व्यू जो है वो कर सकते हैं। ये लेडीज़ की जगह है बिल्कुल सामने, पंडोरा। तो ये पंडोरा बॉक्स है, ये वाकई जो है वो पंडोरा बॉक्स है। अगर ये खुल जाए तो फिर बंद नहीं होता। और इसी तरह जो है वो ये आपके जो है वो बच्चों की फिर जगह आ गई, खाने पीने की छोटी छोटी जो है वो चीज़ें। साथ मिस्टर DIY, ये भी जो है वो आपको बच्चों की जो स्टेशनरी है उसके हवाले से और बाकी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। सैम्स नाइट, अच्छे बैग्स पड़े हुए हैं, मज़ेदार हैं और एक ही जैसे बैग्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है वो मुझे बैग लेना है लेकिन अभी नहीं, अभी चूँकि मैंने सोचा नहीं कि मुझे बैग लेना है, देख के मुझे लगा। जब भी मैंने कुछ बाय करना होता तो मुझे पहले सोचना पड़ता है, फिर ज़हन बनाना होता है, फिर मैंने सोचना होता है अच्छा इतने पैसे लगेंगे, तो अब जो है वो उतना हौसला भी इकट्ठा करना है, तो खर्च करना जो है वो सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। पैसा कमाना आसान है, सच्ची बात है, लेकिन पैसा लगाना, पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, सच में बता दूँ, ये एक सीक्रेट है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। वो सीक्रेट ये है कि पिछले 3 महीने के अंदर मैंने इतना पैसा लगाया है कि शायद उतना पैसा मैंने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं था जितना मैंने जो है वो इन 3 महीनों के अंदर, 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर जो मैंने खर्च किया है। लेकिन ये सारा पैसा मैंने खर्च किया है खुद पे किया है, और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने बड़ी अच्छी जगह पे लगाया है। खुद पे किस तरह लगाया, ट्रैवलिंग की, वर्ल्ड वाइड जो है वो घूमे फिरे, कंट्रीज सिटीज़ एक्सप्लोर की, नए दोस्त बनाए, कारोबार पे लगाया, फिर इन्वेस्टमेंट की अपनी मार्केटिंग के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, और ख़ुद को जो है वो एक ब्रांड जो है वो बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए जो है वो कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि शायद उसमें मुझे जो है वो कामयाबी मिली है। वैसे तो आप बता सकते हैं कि कितनी कामयाबी जो है वो मिली है। तो याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल एडवाइस है ये बहुत ज़रूरी है किसी अकलमंद बंदे से, जिसके पास पैसा जोड़ने की, पैसा इकट्ठा करने की, पैसा संभालने की ताकत है ना, वो बंदा बहुत कामयाब है ज़िंदगी में। और उससे ताल्लुक ज़रूर बनाएं, क्योंकि पैसा खर्च करना बहादुरी भी है, पैसा इकट्ठा रखना, जोड़ना, जैसे होता ना कि कामयाबी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी बेवकूफ़ बाई चांस भी जो है वो अमीर हो जाता है, लेकिन उस रिचनेस को, उस स्टेटस को मेंटेन रखना, कायम रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ी आपको ज़रूरी टिप जो है वो दे रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइजरी है उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स कुछ नहीं बताते, बल्कि वो कहते हैं भाई हाय, हमारे कुछ रिलीजियस पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाज़ का इतना बिला वजह हमारे दिमाग में डाले हुए हैं, हालांकि है नहीं ऐसे कि जितना खर्च करोगे वो और आ जाएगा, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं बात करने से पहले बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि हमारे रिलीजियस जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे डर भी लगता है। दोस्तों ये सारे जो है ना ये खुश हो रहे हैं इस बात पे कि हमने यहाँ से जो शॉपिंग की, ये जो पोलो शर्ट और एक वो ड्रेस शर्ट जो है वो इनसे ली है। इंग्लिश जी ब्लीजी और मुसुन एबे हाँ माशाल्लाह ओ जमा कुनुश आई लव यू पाकिस्तान हाँ थैंक यू सो मच सेंस ऑफ यूरोप तो किस सेंस ऑफ यूरोप गुले गुले तो ये जनाब प्यार है तुर्कों का हमारे पाकिस्तानियों के साथ। तो ये बताना ये चाह रहा था आपको कि ये जो US पोलो है ये मैंने बाय किया यहाँ पे अपनी पसंद का, अब मेरे साथ हैं वो मेरे दोस्त, वो सामने बैठे हैं, उन्हें पसंद है ये ज़ारा, तो ज़ारा ये जो है वो बिल्कुल सामने हैं, ज़ारा से जो है वो हमने बाय किया है उनकी पसंद की। तो 2 शर्ट्स उनकी पसंद की ले ली हैं, 2 जो है वो ले ली हैं मैंने अपनी पसंद की। ये ज़ारा जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यकीन जाने इनके कपड़े बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं, क्वालिटी कोई भी नहीं है, और जो है ना तो ये ज़ारा है जनाब, यहाँ से हमने जो है वो ये लिया है। तो आज का हमारा जो वीलॉग है वो हम करते हैं एंड। तो दोस्तों आज का वीलॉग जो है हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, अभी हम जाएंगे लंच के लिए, और मेरी हतुल वसी कोशिश होती है मैं खाने की पिक्चर वीडियो कभी भी ना लगाऊँ, मुझे ज़रा थोड़ा गैर अखलाकी लगता है, गैर मुनासिब लगता है। तो अभी हम खाएंगे खाना, और जो मेरे कैमरा मैन है इन्होंने एक मैकडोनल्ड से जो है वो शेक लिया, 3 लिए खैर, और शेक पिया अभी इन्होंने, और अभी इनको लगी है भूख,
तो नॉर्मली हम एक खाना जो है वो डेली बाहर से लाजमी खाते हैं, क्योंकि सारा दिन काम पे होते हैं, बाहर होते हैं तो खाना, क्लाइंट्स हों तो भी खाना एक तो बाहर हमारा हो जाता है। और रूटीन हमारी ये रहती है कि हम कोई 4-5 बजे जो है वो खाना खाते हैं, जो कि हमारी कोशिश होती है कि अब रात को ना खाना पड़े, क्योंकि जितनी जल्दी आप खाना खा के सोएंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन रात को फिर भूख लग जाती है तो हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पर मेरे कैमरा मैन के लिए जो है वो दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें बड़ा मुश्किल ये जॉब जो है वो दी हुई है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसको जो है वो सोशल मीडिया को हमारा जितना भी है फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।